गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कंजक्शन की एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जिसमें आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से रिलेटेड एरर हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू मे फॉल, कि तुम फेल मतलब फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। तो आपको याद रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा मे का यूज नहीं होता है, शुड का यूज होता है। किसका? शुड का। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि लेस्ट के साथ जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है बट ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। तो दो के साथ हमें बट का यूज़ नहीं करना होता है, येट का यूज़ करना होता है। दो के साथ पेयर जो होता है वो यट का होता है, ना कि बट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस माने होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। तो अनलेस अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो आपको डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ पर ये जो वर है, ये आपकी वर्ब है। अब इस वर्ब के पास आपके ये दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट नंबर वन और ये सब्जेक्ट नंबर टू। तो जो वर्ब के पास होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। वर्ब के पास आपका इज फादर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी आपकी सिंगुलर, तो वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक है, फाइव वाला क्वेश्चन, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वर संक। अब यहाँ पर जो विद है वो प्रेपोजिशन है, और ऑल इट्स पैसेंजर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका शिप है जो कि सिंगुलर है, तो आपको वर्ब के स्थान पर लगाना पड़ेगा क्या? वॉच, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, तो वर्ब के स्थान पर आएगा आपका वॉच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई शैल लीव फॉर दिल्ली When my father will come, मैं दिल्ली के लिए जाऊंगा when my father will come। When जो आपका कंजक्शन होता है वो कंडीशन का कंजक्शन होता है, when है और if है, ठीक है, unless है, ये आपके कंडीशन के कंजक्शन होते हैं। तो इन कंजक्शन के साथ कभी भी फ्यूचर सेंटेंस को अप्लाई नहीं किया जाता है, तो आप will come नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपली my father comes। क्लियर, तो आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माय फादर कम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई रिगार्ड हिम फ्रेंड। तो रिगार्ड के साथ हमें याद रखना है, जब भी हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो एज लगाकर लिखते हैं। क्या लगाकर? एज लगाकर। तो आप लिखेंगे आई रिगार्ड हिम, मैं उसे मानता हूँ एज फ्रेंड, फ्रेंड के रूप में, फ्रेंड के रूप में। ठीक है, आई डाउट दैट ही विल कम, आई डाउट मुझे संदेह है। तो हमें जब संदेह है, जब किसी व्यक्ति को डाउट है, तो वो बात सर्टेन होगी या अनसर्टेन होगी? वो बात आपकी अनसर्टेन होगी। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित होगी, और अनिश्चित के लिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनिश्चित के लिए आपका वेदर का यूज़ किया जाता है। किसका? वेदर का। ठीक है, अगर ये होता ना आई डू नॉट डाउट, मुझे डाउट नहीं है, तो फिर आप दैट लगा सकते थे, क्योंकि जब डाउट नहीं है तो बात सर्टेन होगी, पक्की होगी, निश्चित होगी, तो आप डेट लगा सकते थे। अब आपको डाउट है, बात सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तो आप डेट नहीं लगाएंगे, आप कंजक्शन लगाएंगे वेदर। क्लियर। चलिए, नाइन वाला क्वेश्चन, आई मूव स्लोली लेस्ट आई शुड नॉट गेट टायर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, आपको उसके साथ नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर। चलिए, टेन वाला क्वेश्चन, योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी इज मीड। तुम्हारी बहन ऐसे बात करती है, एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो, मानो वह पागल हो गई हो, है ना। तो यहाँ पर जो एज इफ जो कंजक्शन है वो आपका सपोजिशन का कंजक्शन है ना, सपोज आपने किया है, तो जब आप सपोज करते हैं किसी बात को जो कि फैक्ट नहीं हो, जो कि फैक्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ वर का प्रयोग करते हैं। किसका? वर का। ठीक है, तो तुम्हारी बहन ऐसे बातें करती है मानो वह पागल हो। ठीक है, तो पागल है नहीं वो, फैक्ट नहीं है कि वो पागल है, ये ऐसा सपोज किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो जब हम मानते हैं एज इफ लगाकर, कंजक्शन लगाकर एज इफ,
तो हम इज का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज यू लाइक, डू एज यू लाइक, करो जैसा तुम चाहो, करो जैसा तुम चाहो। तो आपको यहाँ पर सो के जगह पर लिखना पड़ेगा डू वॉट यू लाइक। वॉट का मतलब होता है जो कुछ तुम चाहो, जो कुछ तुम चाहो। ठीक है, तो सो नहीं आएगा यहाँ पर, जो कुछ के लिए वॉट आएगा। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। मैंने आपको पहले ही बताया था अनलेस आपका नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट, इफ प्लस नॉट, तो इसमें नॉट पहले से ही अंडरस्टूड होता है, तो आपको डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो जब तक कि नहीं, ये अनलेस ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो फिर आपको इसको नेगेटिव करके डबल नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, पहले से ही नेगेटिव है तो इसको डबल नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन, वर्क हार्ड अनलेस यू वांट टू पास। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास होना चाहते हो। गलत हो गया ये मीनिंग, आपने यहाँ अनलेस मीनिंग जो कंजक्शन लगाया वो गलत लगाया है। आप लिखेंगे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, इफ़ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो। तो इफ़ का यूज होगा, ना कि अनलेस का। ठीक है, 10 ईयर्स पास्ड व्हेन आई लेफ्ट द गवर्नमेंट सर्विस। 10 साल गुजर गए जब से मैंने गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ा है। तो जब से की स्पेलिंग वैन नहीं होती, सिंस होती है। क्या होती है? सिंस। ठीक है, वैन का मतलब जब होता है, और जब से का जो मीनिंग निकालना हो तो हमें सिंस लिखना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो सिंस वाला जो क्लॉज होता है वो वी टू बनता है, और जो आगे का क्लॉज होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो 10 ईयर हैव पास्ड, आप लिखेंगे 10 ईयर हैव पास्ड सिंस आई लेफ्ट द गवर्नमेंट सर्विस। लुक आफ्टर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव, ये आपका इडियोमेटिक फ्रेज होता है, आपको याद करना पड़ेगा, लुक बिफोर यू लीव। ठीक है, आफ्टर के स्थान पर आपको बिफोर लिखना पड़ेगा। ही आस्क मी दैट वाई दे हैड गॉन देयर। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये वाला, तो आप डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, तो डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजक्शन मान लिया जाता है, अदर कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिंपली लिखेंगे ही आस्क मी वाई दे हैड गॉन देयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम, वह तुम्हारी मदद करेगा यदि तुम उसके पास जाओगे। तो इसमें देखो उल्टा कर दिया जी, इफ वाला क्लॉज है ना, दोनों ही क्लॉजों में गागी गया आ रहा है, तो इफ वाला क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो अदर क्लॉज होता है उसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आपने जो बनाया है वो गलत है, उस इस तरीके से बनेगा, इफ़ यू गो टू हिम, यहाँ से विल हट जाएगा, इफ़ यू गो टू हिम ही विल हेल्प यू, यहाँ से विल आएगा, ही विल हेल्प यू। तो इफ ही विल हेल्प यू इफ़ यू गो टू हिम, इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। अब यहाँ पर सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगी हुई है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर कौन सी लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म। जब आगे का क्लॉज पास्ट में हो तो पीछे का क्लॉज भी हमें पास्ट में ही करना पड़ता है, अगर वो फैक्ट ना हो तो। ठीक है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई मतलब साइंटिफिक फैक्ट हो तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अगर कोई जनरल फैक्ट नहीं हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कोई जनरल बात है, तो हम उसको जो है उसके टेंस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ वी टू दिया हुआ है, यहाँ वी टू है, तो यहाँ भी विल की वी टू लिखनी पड़ेगी। विल की वी टू होती है वुड, क्या होती है? वुड। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर। ही केम आफ्टर आई लेफ्ट, वह आया मेरे जाने के बाद। तो आफ्टर के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई हैड लेफ्ट। ठीक है, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है और एक आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो आई हैड लेफ्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल अफेयर। एज वेल एज आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, और उसके बाद ये यू दिया, ये कंजक्शन होता है, सॉरी ये आपका इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब लगेगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी, सब्जेक्ट आपका ही है, तो आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी इज, क्या लिखनी पड़ेगी? इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वेट ईयर टिल आई विल रिटर्न। टिल का मतलब अनटिल, और अनटिल का मतलब टिल, यानी टिल और अनटिल आपके सेम होते हैं, टिल और अनटिल आपके सेम होते हैं। टिल का मतलब भी जब तक कि नहीं, अनटिल का मतलब भी जब तक कि नहीं। अच्छा, टिल का मतलब एक मीनिंग तक भी होता है, वो जब होता है जब सेंटेंस में टिल प्रपोजिशन का काम करे। ठीक है, यहाँ प्रपोजिशन का नहीं, यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है,
तो टिल का मतलब यहाँ भी क्या है, जब तक कि नहीं, तो मैं यहाँ इंतज़ार करना जब तक मैं लौट कर ना हूँ। तो अनटिल में पहले ही नॉट का सेंस होता है, तो आपको ये विल का विल नहीं लगाना है, कंडीशनल है ना। तो मैंने आपको बताया था कंडीशनल क्लॉज में विल का यूज़ सेल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ही कॉल्ड मी अ फूल, एड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ही कॉल्ड मी अ फूल सिंपली लिखेंगे, उसने मुझे एक फूल पुकारा, ठीक है। 23, एज ही इज़ टायर्ड सो ही विल नॉट कम, एज के साथ सो का यूज़ नहीं किया जाता है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं होंगे जब तक तुम मेहनत नहीं करेंगे, तो जब तक मैं पहले से ही नेगेटिव मीनिंग है तो विल नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ही नीदर ऑफेंडेड हिम नॉर हिज ब्रदर, देखो हिज ब्रदर से पहले नॉर है तो हिम से पहले आपका नीदर आएगा, ये नीदर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे ही ऑफेंडेड नीदर हिम नॉर हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और इसमें आपको कंजक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।